नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार को बदनाम करने वाला एक और वीडियो भागलपुर में चला। ये दरअसल वीडियो नहीं था, यूं कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के एलईडी प्रोजेक्ट पर एक ऐसा विज्ञापन चलाया गया जिसे देखने के बाद हर कोई शर्मसार हो गया। इस घटना ने पटना जंक्शन की उस तस्वीर की याद दिला दी, जिस तस्वीर में पटना जंक्शन के एलईडी स्क्रीन पर विज्ञापन चलते चलते अचानक अश्लील वीडियो चलने लगता है, गंदा वीडियो प्रसारित होने लगता है और इसके बाद खूब किरकिरी बिहार की होती है। हालांकि इस मामले में एक्शन भी हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कंपनी पर जिसने कि इसका ठेका ले रखा था उस पर कार्रवाई हुई और उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन भागलपुर में जो हुआ वो भी चर्चा का विषय बना और इस मामले में अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के एलईडी प्रोजेक्ट पर कुछ ऐसा विज्ञापन प्रसारित होने लगा लिख करके, जिसे देखने के बाद हर कोई कहने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। दरअसल इस मामले में जो अपडेट आया है वो हम आपको बताते हैं। भागलपुर स्टेशन चौक स्थित अंबेडकर गोलंबर पर एक संस्था द्वारा लगाए गए एलईडी डिस्प्ले पर सार्वजनिक तरीके से अश्लील मैसेज चलने का मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट सहित शहर की छवि धूमिल करने की धाराओं में केस दर्ज किया। केस दर्ज कराने को लेकर सोमवार देर रात ही एलईडी डिस्प्ले का संचालन करने वाली जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आवेदन दिया था। इधर मामले में कोतवाली थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस इसे गंभीरता से लेना शुरू कर चुकी है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जो है न सिर्फ भागलपुर की बल्कि बिहार की भी छवि धूमिल हुई है और इसी के एवज में जो है मामले की अब जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि चल रही जांच को लेकर नगर निगम के जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ जीवन जागृति सोसाइटी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया है कि स्क्रीन पर चले अश्लील मैसेज के मामले में वीडियो वायरल होने की वजह से अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भागलपुर जिले की छवि धूमिल हुई है और इसे लेकर मामले की जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं सिटी डीएसपी ने यह भी बताया कि मामले में नगर निगम सहित संस्था के अधिकारियों, पदाधिकारियों और कर्मियों को शोकॉज किया जाएगा। आगे उन्होंने नगर निगम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किस आधार पर गोलंबर पर स्क्रीन लगाने की अनुमति संस्था को दी गई और अगर जिम्मेदारी दी गई तो संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग नगर निगम के स्तर पर क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही संस्था के सदस्य सहित अध्यक्ष से भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, जब मामला सामने आया तो चौक चौराहों पर लगाए गए डिस्प्ले स्क्रीन को सबसे पहले तो चिन्हित किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस एलईडी स्क्रीन को लगाने की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी और यदि अनुमति ली गई थी तो उस पर नगर निगम की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। भागलपुर में वो घटना हुई जो घटना कुछ महीनों पहले पटना जंक्शन पर हुई थी। हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, वहां वीडियो चला था और यहां एक लाइन लिखकर चला था और उस लाइन में ऐसे शब्द लिखे गए थे जो हम आपको बता नहीं सकते। बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि ये क्या बोलने लगे। दरअसल इतना अश्लील मैसेज चलाया जा रहा था कि हर कोई देखा और जिसने भी देखा उसका वीडियो क्लिक किया, वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर के उसे तुरंत ही वायरल कर दिया और उसके बाद एक बार फिर से समझ ये आया कि बिहार की किरकिरी खूब होने लगी। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर के जिलों में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को काफी सुर्खियां मिली और यही कारण है कि बिहार की बदनामी एक बार फिर से हो रही है। लेकिन बिहार को बदनाम करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की बारी है और पुलिस ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, देखिए नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें शोकॉज किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की और यदि ऐसा हो रहा है तो आपको इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत थी। इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटीज पर यदि आपकी पहले से नजर होती, आप मॉनिटरिंग कर रहे होते तो ऐसी खबरें, ऐसी बातें और ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। बहरहाल देखना है कि अब इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ करती है, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, संबंधित कंपनी के खिलाफ क्या किया जाएगा और इस मामले में पुलिस कितनों को गिरफ्तार करेगी, कितनों को नोटिस देगी, ये तमाम बातें अभी इंतजार करने के लिए है। और जब भी इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा, हालांकि एक्शन की शुरुआत हो गई है, ये मामला जैसे जैसे खुलेगा हम आपको खबरों से अपडेट जरूर कराते रहेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।